पिछले चार पांच साल में कितने चेयरमैन हो चुके हैं पीसीबी हैं नजम सेठी का नाम मैंने सुना है फिर मैंने नाम सुना रमीज राजा का जका अशरफ का अभी कोई मोहसिन नकवी बन गए हैं तो चार चार तो ये रहे इनके जैसे पीएम फिर ये कहते हैं कि हमारी क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आती ना इनकी पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आती है ना इनकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है ही ले कौन से हिंदू ने कौन से यहूदी ने साजिश कर दी इनके खिलाफ होंगे कोई हिंदू बैठे बैठे जो वहां पे पीसीबी का बोर्ड मेंबर बदल रहे हैं वो तो, तो कर रहा होगा साजिशी लोग होते हैं ना हिंदू <laughs> मैं दोस्तों ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ है मोहसिन नकवी तो दोस्तों को बुलाया खाना खुना खिलाया इसने उसके बाद बोला कि यूएस और वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप होने वाला है जून फर्स्ट से लेकर जून ट्वेंटी तक पहली जून से लेकर उनतीस जून तक जो वर्ल्ड कप होने वाला है वेस्टइंडीज और यूएस में यूएस में भी बढ़ावा दे रहे हैं क्रिकेट को इसलिए हो रहा है वहां पे भी इस बार तो अगर तुम जीत गए तो सबको वन हंड्रेड थाउजेंड यूएस डॉलर मिलेंगे एक लाख यूएस डॉलर एक बंदे को मिलेगा अच्छा तो एक बंदे को आते यार की, खुशी की लहर दौड़ गई सब लोग पागल वागल हो गए पाकिस्तानी इतने पैसे देखे नहीं थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देखे इतने पैसे तो सब लोग बड़े परेशान हो गए और सब लोग बड़े पागल हो गए खुशी से झूम उठे बस उनको वर्ल्ड कप जीतना है और जैसे वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो हर एक बंदे के अकाउंट में खट, एक एक लाख हाँ। और फिर पाकिस्तान का जो परचम है झंडा है वो और फिर बोला है कि अभी उसने बोला कि देखो जब तुम जीतोगे जब तुम जीतोगे तब तुम्हें मिलेगा एक लाख डॉलर अभी फिलहाल के लिए सबको एक एक टी शर्ट पकड़ा दी उसने सस्ती वाली तीन सौ चार सौ पांच सौ रुपए वाली किस किस को शर्ट मिली है देखो नकवी अवार्डेड स्पेशल शर्ट टू प्लेयर मोहम्मद रिजवान को मिली एक शर्ट क्योंकि उसने तीन हजार रन करे टी ट्वेंटी में तो उसको एक कमीज मिली अबे नान दे देते दे शर्ट तो खा भी नहीं सकता ना कमीज दे दी नान देना चाहता दिया गलत नसीम शाह को भी एक शर्ट दे दी इन्होंने पैंट भी देनी चाहिए पता लगा सिर्फ शर्ट पहन के आ गया खेलने ने पाकिस्तानी को दी इसने सोफी खेल लिया है टी ट्वेंटी क्या यार क्या कॉमेडी है फिर ये सब करने के बाद उनको बोला कि शर्ट वर्ट दे दी तो सब लोगों ने बोला कि साहब आप डिनर करवाओगे कि नहीं करवाओगे तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है हम सब लोग चलेंगे लोकल होटल में गए और खूब ठूसी उन्होंने बिरयानी खूब जी भर के उन्होंने खाना खाया खाने के साथ सेल्फियां भी ली और इंस्टाग्राम पर भी डाली क्योंकि फिर दुनिया को बताना है कि हम भरपेट खा के सोए आज अब देखो यार ये जो कर रहे हैं ना पाकिस्तानी ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम इतने पैसे देंगे अगर तुम जीत गए इतने पैसे देंगे जीत गए ये लोग झूठ भी बोलते हैं यार बड़ा कॉन्फिडेंस कि ये क्यों ये झूठ बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ पहले भी झूठ बोल चुके इसने बोला ना अभी कि एक लाख डॉलर सब प्लेयर्स को देंगे अगर ये जीत गए वही चीज रमीज राजा ने दो हजार इक्कीस में बोली थी टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप था रमीज राजा दन दनाता हुआ और सारे प्लेयर्स को सामने खड़ा करा कह रहा तुम्हें पता एक बात

दो, जो तुम्हारी मजाक है क्या मतलब सब हुआ या, सारे प्लेयर्स को कहानी सुनाई के के मुंह में पानी मजे, ही मजे करने की तैयारी भागे से <laughs> और और ने खिलाफ जान लगा दी वो जीत भी गए उन्होंने भारत को हरा दिया मैच मिला कुछ मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पहुंचे पैसे बोला ब्लैंक ब्लैंक चेक चेक है वो जरा हमें भी दिखाओ पैसे दो हमें हाँ। आपने बोला था इंडिया को हरा दो हमने हरा दिया की टीम को, है। तो रमीज राजन ने फोन, करा उस को। फोन लगाया स्विच ऑफ है दोबारा डायल करा नंबर ही नहीं लग रहा उसका नंबर ही नहीं लग रहा जिस आदमी ने प्रोमिस करा था जिस आदमी ने भी प्रोमिस करा था कि पैसा देंगे उसने इसका फोन उठाना बंद कर दिया एक नया रुपया नहीं दिया उसने एक उसको था ही तो नहीं, नहीं। हाँ बाजी कर गया वो अब वही चूरन जो 2021 में खिलाया था अब 2024 में वही में वहीन पाकिस्तानियों को खिलाया जा रहा है और चूरन ये खिलाया जा रहा है कि अगर तुम ये वर्ल्ड कप जीत गए तो हम तुम्हें एक एक लाख डॉलर देंगे क्या बात है अब पाकिस्तानी हो जाएंगे मोटिवेट क्योंकि एक लाख डॉलर देखे नहीं अपनी जिंदगी में फिर ये चढ़ दौड़ेंगे सिंपली गिव बेस्ट ये जान लगा देंगे मौत के मुंह से बिल्कुल ये खरगोश कुछ के लिए सब कुछ करेंगे और फिर उसके बाद मोहसिन नकवीन सब बोलेगा यार वो तो फोन ही नहीं उठा रहा इस रूट की सभी लाइन है जबरदस्त व्यस्त है।, <laughs> जब तो है तो ये भाई साहब उनको झूठ बोला चेक इफ पाकिस्तान कैन बीट इंडिया टी ट्वेंटी वर्ल्ड टाइम्स का न्यूज आर्टिकल है देखो आठ अक्टूबर दो हजार इक्कीस का प्रॉपर न्यूज आती है तो भाई साहब ये हैं इनके झूठे वादे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कि किस तरीके से हम तुम्हें माला माल कर देंगे हम तुम्हें पैसा देंगे तुम्हें रोटी हम तुम्हें देंगे, इतना झूठ बोलेंगे बिरयानी देंगे पैसे भी देंगे बस तुम जीत लो।, तो लो क्या करते हैं कि सर पे कफन बांधते हैं अपने पाकिस्तानी टीम और ये झोंक देते हैं अपने आप फिर इनकी फील्डिंग भी अच्छी हो जाती है बैटिंग कैचिंग वैचिंग बोलिंग सब इनकी ए ग्रेड क्योंकि सामने आपने देखिए मुल्क के लिए कोई ये नहीं बोल रहा इनसे कि अगर तुम जीतोगे तो पाकिस्तान की इज्जत ऊंची होगी क्योंकि इनको पता पाकिस्तान की इज्जत तो है नहीं अरे, करेंगे एक क्या ऊंची करेंगे क्या नीची करेंगे पता है पाकिस्तान की इज्जत का बेड़ा गर्क है दर ये लोग क्या करते हैं इसको कि इनको पता है कि पाकिस्तान का प्लेयर जो है ना वो इज्जत का लालची नहीं है इज्जत का लालच जो है नहीं उसके पास तो क्या लालची होगा वो वो है लालची डॉलर का वो भी अगर ये वही चीज बोल दे कि हम तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे ये कह देता है कि हम इतने लाख पाकिस्तानी देंगे वो मोटिवेशन नहीं आएगा पर जैसे आपने बोला कि एक लाख यूएस डॉलर देंगे लपलप लप मुंह से अब ये देखना ये अपनी जान लगा देंगे क्योंकि ये जो टीम को वादा करा था ब्लैंक चेक वाला दो हजार इक्कीस अब वो टीम नहीं रही है।, है है लो लो रही है बाकी सारी टीम इनकी चेंज हो गई अब नई टीम है तो नई टीम को नए सिरे से फिर से एक बार चूरन

अब दोस्तों देखो इतनी कॉमेडी ये पूरे गए पाकिस्तानी फौज का ना ये ट्रेनिंग करने के लिए गोली चला रहे हैं और पता नहीं पत्थरों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं पूरी की पूरी ठीक है ना सारी की सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ बलिदान का बैच लगाया था विकेट कीपिंग ग्लव्स के ऊपर धोनी को भी क्या सोचा अच्छा धोनी खुद पैरा वाला है ना हाँ। तो धोनी तो ने बोला कि मैं बलिदान बलिदान का का तो उसने लगाया पे तो है, तो है? तो हाँ। है और खुद आपको रोजी रोटी कैसे चलेगी इनकी तो इनको हथियार चलाओ बम चलाना सिखाओ क्रिकेटर को ठीक है जी बोला ठीक है बाबर आजम तुम तो कप्तानी से भी बाहर हो गए टीम से भी बाहर हो गए अब तुम घर का दाल रोटी कैसे चलेगी बताओ कह रहा दाल रोटी भी चलेगी बिरयानी भी चलेगी कोरमा भी चलेगा चलेगा कैसे आई एम तैयब लश्कर तैयबा तैयबा अरे भैया तो ये देखो इनको लश्कर ज्वाइन करवाने के कर, कोई सेंस नहीं हाँ ना को ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम फायरिंग रेंज पर फायरिंग कर रही है नहीं ये वाहिद टीम है दुनिया की जिसको हथियार चलाना आता है बम चलाना आता है और सबसे बड़ी बात एडिटर साहब दोबारा फोटो दिखाइए ये अकेली टीम है जिसको पुष्पा सरेंडर करना भी। <laughs> 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 मैं भैया <जुकेगा। laughs> यार सर ने सही लपेटा और मुझे उस चीज का बिल्कुल नहीं पता 2021 में भी ऐसा प्रॉमिस किया गया था और आर्टिकल भी एक छपा एक था उसके ऊपर प्रॉपर तुम्हें ब्लैंक चेक दे देंगे मतलब कुछ भी ये नेक्स्ट लेवल हरकतें हो रही है मतलब ठीक है, अच्छा है अवार्ड दिए जाते हैं किसी को नौकरी दी जाती है नहीं नहीं तो, तो, तो से, ये नहीं कर देंगे वो कर देंगे वो टीम को मोटिवेट करता है हर एक चीज होती है सैलरी आप इंक्रीमेंट कर देते हर एक चीज और फिर ये कह देते हो भैया अच्छा करके आना ठीक है जब करके आते हैं तो उनको फिर अवार्ड देते हैं हर एक चीज ये तो जज्बा अलग फूक देते चलो ठीक है लेकिन भैया

मेरे को तो लगता है ये अगर है कहते हैं ना पाकिस्तान वाले क्रिकेटर्स खाओ मा कसम की तुम दोगे दो पर तो इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता <laughs> ये भी हो सकता है इनके साथ लेकिन सही है सर ने सही लपेटा इनको और मुझे वाकई में हैरानी हुई थी जब फोटोज आ रही थी कि बंदूक लेके चल रहे हैं वहां पर ये कर रहे हैं अरे भैया कोई मजाक चल रहा है इंडिया में कोई आर्टिस्ट अगर एग्जाम्पल याद हो सिद्धू ने बंदूक चलाई थी एक बार कितने होगी उस टाइम पर यार ये सही है